एक गुलाब का पेड़ था, उसको बहुत ज्यादा घमंड था अपनी सुंदरता पे। वो जब देखे और फूलों पर कमियां ही निकालता रहता था। एक दिन वो मतलब सूर्यमुखी का फूल बोलता है कि क्यों गुलाब तुम सब पर कमियां ही क्यों निकालते रहते हो। तो गुलाब बोलता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ और सब में तो कितने सारे कांटे हैं। तो सूर्यमुखी बोलता है कि बेटा कांटे तो तुम्हारे में भी हैं, तो फिर तुम ऐसा क्यों बोलते हो। एक दिन मतलब चिड़िया जाकर सूर्यमुखी के पेड़ पर बैठ जाती है, तो सूर्यमुखी के फूल मतलब ज़्यादा घना होता है गुलाब से ज़्यादा। तो सूर्यमुखी के सूर्यमुखी के फूल के ऊपर बहुत सारी ओस गिरी रहती है, और तो चिड़िया उस ओस को बहुत प्यासी रहती है तो पी लेती है, और इसके बाद पीकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो उसको एहसास हो जाता है कि मेरा फूल की तो पत्तियाँ एकदम मतलब हट हट के हैं, मतलब बहुत कम हैं, सूर्यमुखी से बहुत ज़्यादा कम है। तो उसका घमंड चूर हो जाता है और उसको ये बात का एहसास हो जाता है कि मैं किसी काम का नहीं है। तो घमंड कभी ना कीजिए, क्योंकि घमंड रावण का नहीं रह गया तो ये फूल और आजकल के व्यक्तियों का क्या रह जाएगा।